वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है एक मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर H3PO4 है और P4O10। इस बॉटल के ऊपर लेबल लगा हुआ है 127%। तो ये लेबलिंग क्या है? ये लेबलिंग जैसे ओलियम का लेबलिंग होता है ना, H2SO4 और SO3 का अगर बॉटल होगा तो जैसे इसका ऊपर लेबल होता है, वही मीनिंग इस लेबल का है। अब इस लेबल का मीनिंग ये होता है कि अगर मेरा ये मिक्सचर दोनों मिलाकर मैं अगर 100 ग्राम लूँगा तो ये 100 ग्राम मिक्सचर 27 ग्राम वाटर से रिएक्ट करेगा। 100 ग्राम मिक्सचर 27 ग्राम वाटर से रिएक्ट करेगा। अब ये वाटर से रिएक्ट क्यों करेगा? इसके अंदर दो लोग H3PO4 और P4O10। वाटर से ये वाला रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। P4O10 रिएक्ट्स विथ वाटर तो क्या बनाएगा? H3PO4। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड या ओलियम में वाटर ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, वैसे ही इसमें वाटर ऐड करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। और कौन रिएक्ट करेगा वाटर से? P4O10 करेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब वाटर कितना कंज्यूम हुआ है? 27 ग्राम। तो वाटर का मोल कितना कंज्यूम हुआ है? 27 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, इतना मोल कंज्यूम हो गया। तो P4O10 कितना कंज्यूम होगा? P4O10 कंज्यूम होगा 27 बाय 18 इंटू 1 बाय 6, इतना मोल P4O10 कंज्यूम होगा। तो मोल्स ऑफ P4O10 कितना है इसके अंदर? इतना ही है जितना कंज्यूम हुआ। तो 27 बाय 6 इंटू 18। अब क्वेश्चन मास ऑफ P4O10 में आ गया। मास ऑफ P4O10 इज इक्वल टू 27 बाय 6 इंटू 18 मोल मल्टीप्लाइड बाय, ये मोल था, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4O10। तो P4O10 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ये आएगा 31 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 10, तो ये आएगा 284 ग्राम। तो कितना मास? मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 284। अब इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करके आंसर बता देना। तो ये जाएगा 9 इंटू 2, ये जाएगा 9 इंटू 3। इसको 6 से ले जाते हैं, 6 इंटू 4 24, ये जाएगा, देखते नहीं इससे आगे 3 और इसको ले जाते हैं 3 और 2 को, अब चला जाएगा 224 हो गया 71, तो आंसर आएगा 71 ग्राम। तो मींस इसके अंदर 100 ग्राम अगर मिक्सचर है तो P4O10 का मास है 71 ग्राम।